जेपी इंफ्रा मीरा रोड ईस्ट। दोस्तों जेपी इंफ्रा बिल्डर हैं, मीरा रोड में काफ़ी बड़ा लैंड इन्होंने परचेस किया है डेवलपमेंट के लिए। पूरे 30 एकड़ का लैंड है इनका, जिनमें 4 फेस लॉन्च किया है इन्होंने। एक तो सेलेस्ट, दूसरा नॉर्थ गार्डन सिटी, तीसरा हॉट केक, चौथा बार्सिलोना। ये 4 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें आज मैं जो बात करने वाला हूं दोस्तों, हॉट केक के बारे में बात करने वाला हूं, जो इन्होंने दोबारा लॉन्च किया है। कुछ फ्लैट्स उसमें सेल के लिए है, 1 BHK। जो प्रोजेक्ट का नाम है हॉट केक 2.0 वेस्ट। फ्रेंड्स, आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। ये लोकेशन की बात करूं तो ये विनय नगर में बन रहा है, GCC क्लब से बहुत पास है ये, और यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे जाने के लिए मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है। और मैं यहाँ के बारे में अभी कुछ आपको सैम्पल फ्लैट वगैरह बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज सैम्पल फ्लैट बिल्डर ने बनाया नहीं है। बिल्डर ने जो सैम्पल फ्लैट बनाया है वो अलग है। इसमें मैं आपको कारपेट एरिया बता दूँ, 405 स्क्वायर फुट का इसका 405 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। प्राइस इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है, 59.99 यानी 59,99,000 में, ऑल इंक्लूसिव, फ्लैट कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसमें आपको पोजीशन चार्जेस जो आपको ऑन पोजीशन देना है, आफ्टर 2 to 3 years जो पोजीशन टाइम आएगा, उस टाइम 2025 में आपको देना है, जो भी बिल्डर का 1.5-1.5 लाख रुपया होता है वो। फिलहाल आपको 59.99 लाख इसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइज है, यानी 1,000 रुपया कम, 60 लाख रुपया। ये प्राइज में दोस्तों मीरा रोड में 1 BHK जो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी हो, या फिर अच्छे प्रोजेक्ट में जिसका टाइटल क्लियर हो, सारे बैंकों से लोन हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट में ये प्राइस में यहाँ पे 1 BHK कहीं पे भी नहीं बन रहा है दोस्तों, जिस जो ये हॉटकेक दे रहे हैं, जेपी वाले दे रहे हैं। और ये 25 माले का टावर है, 25th story टावर है ये, जिसमें 3 फ्लोर यानी 1st, 2nd और 3rd कमर्शियल है, यानी बाहर के रोड फेसिंग शॉपिंग है इसका, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, और इसमें शॉप भी सेल करने के लिए है, दुकानें भी बेचने के लिए है। अगर आपको शॉप में भी इंटरेस्ट है तो भी हमें फ़ोन करें, और फ्लैट में तो है ही जो रिजनेबल प्राइस है जो मैं आज बताने वाला हूँ, और इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें इस रिजनेबल प्राइस का दोस्तों। बिल्डर का पोजीशन 2023 में ये आपको डिलीवरी कर देंगे, और रेरा पोजीशन डेट 2025 है, बट बिफोर टाइम आपको ये डिलीवरी कर देंगे, जिसमें अभी आप बुकिंग भी कर सकते हैं। UI का 54,000 है, बट एक्चुअल फ्लैट आपको बुक करना है तो भी आप आइए, हम आपको बुकिंग करा के देंगे, बुकिंग करने में पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। 25+ इसमें एमिनिटीज़ है, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स क्लाइंबिंग वॉल, किड्स प्ले जोन, पार्टी लॉन, ट्री कोर्ट विद बेंच, सेल्फी पॉइंट, बटरफ्लाई गार्डन, गणेश आइडियल, योगा एंड मेडिटेशन जोन, मिनी एमपी थिएटर, एक्यूप्रेशर वॉकवे, हाफ गार्डन, ड्रॉप ऑफ जोन, ऐसे एक्सेट्रा और भी कई इसमें एमिनिटीज है, जिसके मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं क्या, एक बार आप विजिट करें तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों, इसमें पोदार इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल बाजू में ही है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहां से 2-2 मिनट में जा सकते हैं, GCC क्लब यहां से 5 मिनट में है, धारास ढाबा यहां से, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब वकार्ड हॉस्पिटल, 7-11 हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, डी मार्ट, इस्कॉन टेम्पल, जैन मंदिर, ये सब आपको 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। मैक्सिस मॉल, ठाकुर मॉल, रेलवे स्टेशन मीरा रोड, रॉयल गार्डन रिसॉर्ट और रसाज मॉल, सिनेमैक्स थिएटर, ये सब भी आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के सोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़े इंटरटेनमेंट सोर्सेज बात करूँ, जैसे बोरीवली गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पगोड़ा, SL वर्ल्ड, वाटर पार्क, रघुलीला मॉल, इनऑर्बिट मॉल, मेट्रो मॉल, पाली बीच रिसॉर्ट, बेलंकनी बीच, ये सब भी आप 30-40 मिनट के
ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, इसके लिए भी ज़्यादा आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीरा रोड का एक्चुअली लोकेशन ही ऐसा है कि यहाँ से आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से कनेक्टेड आप अगर बॉम्बे जाना चाहें, एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना चाहें, सब एकदम सेंटर पॉइंट पड़ जाता है मीरा रोड में। और इसीलिए मीरा रोड में पिछले 20 सालों में जो एप्रिसिएशन हुआ है वो पूरे महाराष्ट्र में किसी भी लोकेशन में ये एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला है। जितना प्राइस, जितना भाव प्रॉपर्टी का मीरा रोड में बढ़ा है उतना कहीं भी नहीं बढ़ा है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन इतना ही दोस्तों। फिर से आऊँगा एक नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके, नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।